आज हम बात करेंगे 5 पिन रिले के बारे में। यहाँ 2 किस्म का 5 पिन रिले है। सबसे पहले देखें इस रिले को, इसमें 5 पिन है। ये 30 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब नंबर लिखा हुआ है जितने पिन है सबका। ये 30 है, ये 87 है, और ये जो मिडिल वाला है वो 87A है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये है 86, यहाँ भी लिखा है और यहाँ पिन पे भी 86 लिखा हुआ है। और यहाँ 85 है, ये 85 पिन है, यहाँ 85 लिखा हुआ है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं इसको ऑपरेट करूँगा बैटरी से कनेक्ट करके, मैं रिले को ऑपरेट करूँगा और दिखाऊँगा कि ये कैसे काम करता है। इसके ये कवर को मैं हटा दूँगा और अंदर में कॉयल वायल सब दिखेगा, और वो कैसे मैग्नेट उत्पन्न कर रहा है, कैसे 87 को कनेक्ट कर रहा है ऑपरेट करके, वो आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, एक और ये हमारा दूसरा रिले है, इसमें भी पूरे नंबर वही है, सेम नंबर है, लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ पहले, ये 86 85 में ग्राउंड और 86 में मेन, जैसे ही आता है ये 87A को छोड़कर 87 से कनेक्ट हो जाता है। ये नॉर्मल मुंड में जो रिले है 5 पिन, वो नॉर्मली जो 30 है वो 87A को पकड़ के रखा है, लेकिन जब ये ऑपरेट होगा तो 87A को छोड़कर 87 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये अभी मैं इसको सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे दिया है 30 और 87A, यानी ये दोनों कनेक्ट हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक मल्टीमीटर है, सबसे पहले मैं पॉइंटर को मैंने कॉन्टिन्यूटी पे लगाया हुआ है, ये कॉन्टिन्यूटी का सिंबल है, कॉन्टिन्यूटी। और यहाँ पे ये रिले में मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, और ये है 87, ये दोनों मिल रहा है या नहीं। देखिए वहाँ ये कॉन्टिन्यूटी मिल रहा है, यानी नॉर्मल मोड में रिले 30 और 87A को कनेक्ट करके रखा है। अब मैं इसको ऑपरेट करूँगा, यहाँ मेरे पास बैटरी है। रिले का मैंने 5 पिन अलग अलग कर दिया है ताकि आपको साफ दिखे। तो फ्रेंड्स, ये रिले में लॉक होता है, ये मैंने लॉक पहले से निकाल के रखा था। ये इसका कॉयल है, और फ्रेंड्स ये जैसे यहाँ पे नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये तो नीचे होने पे 87 से कनेक्ट होता है, और छोड़ देने से 87A से कनेक्ट होता है। फ्रेंड्स, अब मैं इसको बैटरी का कनेक्शन दूंगा और इसे ऑपरेट करूंगा। फ्रेंड्स, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव है, ये 24 वोल्ट का रिले है। पॉजिटिव को मैं 30 में दे रहा हूँ, ये हमारा 30 पिन है, ये हो गया 30। और ये है बैटरी का निगेटिव, ये बैटरी का निगेटिव है, ये मैं 85 को दे रहा हूँ, ये 85 पिन है, ये 85 से कनेक्ट, बैटरी को पॉजिटिव और निगेटिव मिल गया। फ्रेंड्स, अब मैं एक टेस्ट लैंप से चेक करूँगा कि ये हमारा टेस्ट लैंप है, करंट कैसा आ रहा है। ये देखिए, यहाँ लाइट मेरा जल रहा है, लेकिन यहाँ भी जल रहा है, क्योंकि ये और ये पिन आपस में कनेक्ट है। अब मैं रिले को ऑपरेट करूँगा, यहाँ कॉम्बिनेशन स्विच से मेन आता है तो हमारा रिले काम करता है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वायर देता हूँ ताकि ये वायर है 87 से कनेक्ट कर दिया। अब हमारा जब रिले काम करेगा तो इसमें करंट आएगा, और ये करंट आएगा तो हमारा टेस्ट लैंप जलेगा। ये मैंने टेस्ट लैंप से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये ग्राउंड का वायर है, ये टेस्ट लैंप को ग्राउंड दे दिया। फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक और बल्ब लगा देता हूँ ताकि नॉर्मल मूड में हमारा एक लाइट जलेगा। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव।
लाइट जल रहा है क्योंकि ये पिन 30 और 87 एक ही है, तो 30 में मेन दिया हूँ इसलिए यहाँ से मेन निकल रहा है। अब हमारा एक पुश पुल स्विच लगा दे रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इस हम स्विच को चेक करेंगे कि ये काम कैसे करता है। फ्रेंड्स ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर के पॉइंटर को हम कंटिन्यूटी पे लगा दिए हैं। सबसे पहले चेक करेंगे, हाँ ये काम कर रहा है। अब मैं पुश पुल स्विच के एक वायर को यहाँ दे दिया और एक दोनों मल्टीमीटर से कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको जैसे ही ये ऑन किया, ये जो है इससे एक वायर दूसरे वायर से कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी स्विच सही है। अब मैं इस स्विच को मेन दूंगा, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव वायर है, ये मैंने मेन दे दिया और एक पिन 86 से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही ये स्विच को ऑन करूँगा वो लाइट जलेगा क्योंकि हमारा रिले काम किया। यहाँ पे आप देखें इस जगह पे कैसे काम कर रहा है, देखिए ये ऊपर गया ये नीचे हुआ, ये क्वाइल काम कर रहा है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे नीचे गया और 87 से कनेक्ट हो गया, और जैसे ही मैं बंद किया ये 87 ए से कनेक्ट।